आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था लास्ट क्लास में, कहाँ तक पहुंच पाए थे हम लोग बताओ? हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया केस वन हम लोग कंसिडर कर लिए थे ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। था। यस सर। चलो सेकंड सॉल्ट हम लोग को देखना है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलो NH4Cl ले लेते हैं। वीक बेस में हम लोग ले लिए NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लिया HCl। अब ये दोनों NH4OH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ? NH4Cl। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। अब तुम लोग को प्रोसेस पता चल चुका होगा कैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद कैसे हम लोग पीएच के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस पता चल गया होगा, एक बार फिर से हम बता देते हैं। चलो इसमें ये बताना, ये जो सॉल्ट बना है इसमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? NH4+ और Cl-। अब हाइड्रोलिसिस तुम लोग को बताए थे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा रहा है तो सॉल्ट के आयंस, कैटायंस या फिर एनायंस जो है वो वाटर के आयंस के साथ कंबाइन करना चाहिए, H+ या OH- किसी के साथ कंबाइन करना चाहिए, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताना, एक आयन है सॉल्ट का NH4+ और दूसरा है Cl-, इन दोनों आयंस में कौन सा आयन हाइड्रोलाइज करेगा बताओ जल्दी से? कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस सोक करेगा, NH4+ या फिर Cl-? बोलो फटाफट। सर क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन हाइड्रोलिसिस सो करेगा। एक क्लोराइड आयन जो है ये वाटर के H+ के साथ कंबाइन करके ये HCl बनाएगा क्या, ये बताओ तो? नो सर। तो फिर ये हाइड्रोलिसिस सो कर पाएगा? नो सर। हाइड्रोलिसिस कौन सा आयन यहाँ पे सो करेगा? NH4+ सो करेगा ना हाइड्रोलिसिस? यस और नो? यस सर। चलो तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे पहले लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ जाएगा बताओ? अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं हम लोग? कौन सा आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है यहाँ पे? NH4+, अमोनियम आयन, ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? ये बनाएगा वाटर के OH- के साथ, ये कंबाइन करेगा, बन गया NH4OH और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा होगा? H+ आयन जनरेट हो रहा होगा। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन और ये फाइनल कंसेंट्रेशन या फिर कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये लिख रहे हैं हम। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम लोग इसका सी ले लिया अमोनियम आयन का और ये दोनों जीरो, ये सॉरी वाटर का तो कोई मतलब है नहीं, वाटर का कंसेंट्रेशन तो कंसिडर करेंगे नहीं, ये सब जीरो जीरो है। अगर डिग्री ऑफ, यहाँ पे एक एच, स्मॉल एच यूज करते थे ना हम लोग, याद है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? ये स्मॉल एच क्या डिनोट कर रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, याद है या नहीं? Yes. सूरज? Yes, आवाज आ रहा है? Yes, sir. तो कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं हम लोग? C(1-H) इतना बचा हुआ होगा और NH4OH कितना फॉर्म करेगा? CH, और ये भी क्या फॉर्म करेगा? CH+। समझ आ रहा है? यहाँ पे H क्या डिनोट कर रहा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। अब यहाँ पे देखो KH का अगर तुमसे एक्सप्रेशन पूछा जाए, ये हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट है सॉल्ट का, तो यहाँ पे हम लोग KH का अगर एक्सप्रेशन तुमसे पूछा जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ NH4+। ये हो गया KH का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो
एक और इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा होगा। वो इक्विलिब्रियम किसका स्टेब्लिश हो रहा होगा? ये जो वीक बेस बना, वीक बेस का भी एक इक्विलिब्रियम बन रहा होगा यहाँ पे, यस और नो? ये जो वीक बेस है इसका भी तो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा होगा। ये क्या बना रहा है, NH4 प्लस और OH माइनस। ये बहुत ही कम डिसोसिएट कर रहा होगा, ठीक है, बहुत ही कम आयंस में ये टूटेगा, लेकिन यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो इसके लिए, ये वीक बेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, KB का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। KB क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 OH। KH का एक्सप्रेशन हमको मिल गया, KB का मिल गया। अब यहाँ पे रिलेशन हम निकालते हैं, याद है ना, रिलेशन कैसे निकालेंगे, KH इंटू KB कर दो, देखो क्या आ रहा है। KH और KB को मल्टीप्लाई करो फटाफट और बताओ क्या आ रहा है। सर KW आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली बच जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जिसको हम लोग रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ये पूरा टर्म जो है किससे रिप्लेस किया जा सकता है, ये KW से। तो एक रिलेशन यहाँ पे हमको मिल गया, क्या, KH into KB is equal to KW, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये रिलेशन को हम लोग पी एच वाले एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में यूज करेंगे। देखो अब जैसे यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, पहले हम ये देख लेते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ एच, पी एच निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस चाहिए। और कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस का यहाँ पे अगर देखोगे, ये वाले इक्विलिब्रियम से एच प्लस हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन एच प्लस का जो इक्विलिब्रियम पे, ये सी इंटू एच है, सी इंटू एच, ये सी एच। तो अगर हमको एच का वैल्यू पता हो, सी क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया, जो सॉल्ट का इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया रहेगा उससे हमको आ जाएगा सी का वैल्यू, और ये H क्या है, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। तो H का वैल्यू हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो H का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, हमारा KH वाला एक्सप्रेशन से। देखो KH में क्या था, KH का अगर देखोगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे NH4OH into concentration of H plus divided by NH4 plus, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंपली CH into CH divided by C into 1 minus H, ठीक है। अब यहां तुम लोग बताना ये क्या होगा, एक सी सी कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, अप्रोक्सीमेशन क्या यूज कर लोगे यहाँ पे बताओ, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग यूज करते हैं अभी तक, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। एच का वैल्यू जो है वो वन से बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब वन माइनस एच इज नियरली इक्वल टू वन। तो इससे हमको क्या मिल गया, KH आ गया हमारे पास CH स्क्वायर। तो H का वैल्यू यहां से आ गया अंडर रूट KH बाय C। अब यहां पे देखना KH को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, KH को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये रिलेशन आया ना हमारे पास KH into KB is equal to KW, तो यहां से हम लोग KH क्या लिख सकते हैं, KW by KB लिख सकते हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, देखो हमारा H का जो एक्सप्रेशन आ गया, ये अंडर रूट KH की जगह पे पुट कर दिया हम लोग KW by KB into C, ये हमारा H का एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्चुअल में हमको PH चाहिए, तो PH चाहिए, तो PH निकालने के लिए हमको कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए होगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, C into H डायरेक्टली पुट कर देना हमको, H का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा KW by KB into C। अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है, फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ना कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट KW into C by KB, KW into C by KB, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया H प्लस का। अब एक बार एक्सप्रेशन अगर आ गया H प्लस का, तो हम लोग PH नहीं लिख सकते हैं, यहां से PH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस।
तब ये H प्लस वाला यहाँ पे पुट कर दो माइनस लॉग, ये लिख दो KW इंटू सी बाई KB, और इस पे पावर क्या है, हाफ है, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, देखो क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है pH का। ये हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, PKW आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस हाफ ऑफ लॉग सी हो जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे माइनस हाफ ऑफ PKB आ जाएगा, यही आ रहा है देखो। तो फॉर्मूला बन के यही आ रहा है क्या? यस सर। चलो ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, बट ये एक्सप्रेशन ये याद रखना जरूरी है। H+ का एक्सप्रेशन अगर तुमको पता है, अंडर रूट KW इंटू सी बाई KB, तो आसानी से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेन है, इसलिए इसको रिमेम्बर करना है तुमको। समझ आया बात? तो यहां से वो अगर पता चल गया तो फिर डायरेक्ट pH आराम से निकाल सकते हो तुम, कोई दिक्कत? देख लो एक बार प्रोसेस, अगर डेरिवेशन पे पूछा जाए तो तुम लोग आराम से डिराइव कर सकते हो अपने से भी। कोई दिक्कत? जल्दी फटाफट इसको नोट करो। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। तुम लोग को ये ऑनलाइन क्लास ही करना है क्या पूरे ईयर? ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो तुम लोग नहीं आ रहे हो? नो सर। नहीं आना है तुम लोगों को ऑफलाइन, ऑनलाइन ही करना है? पेरेंट्स अलाउ नहीं किए, इतने बच्चे तो आ रहे हैं अब सारे। सर मेरे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं किए तो दूसरे इसको देखते क्या? तुम्हारे पेरेंट अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर बोले कि पहले फर्स्ट डोज ले लो इससे, क्योंकि चेन्नई में भी अगर स्कूल अभी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और क्योंकि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, तो वो बोले कि मे बी इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो इसीलिए मतलब फर्स्ट डोज मतलब वो बच्चे लोग का तो अभी आने का वो तो कोई कंफर्म नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा अभी श्योरिटी थोड़ी है, वो तो अभी ट्रायल से चल रहा है। चलो ठीक है, देख लो। ये यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। चलो तो ये हमारा सेकंड केस था, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला केस हम लोग देख लिए थे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दूसरा था सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दिक्कत है इसमें बताओ किसी को भी? तीसरे केस पे मूव करें? यस सर। चलो तीसरा केस तुम लोग खुद ही डिराइव करोगे, अब हम बस चेक करेंगे। तीसरा केस तुम लोग खुद ही एक बार ट्राई करो, देखो डिराइव कर पाते हो या नहीं एक्सप्रेशन। तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड ए वीक बेस, दोनों हमारा वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एक वीक एसिड ले लेते हैं हम लोग, कौन सा? HCl ही ले लेते हैं, सॉरी वीक एसिड है ना, HCl थोड़ी वीक एसिड है। वीक एसिड में क्या ले लेते हैं? CH3COH ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिटिक एसिड। और वीक बेस में क्या ले लें हम लोग बताओ? NH4OH, ठीक है। तो वीक एसिड ले लिया CH3COH,
और वीक बेस ले लिए NH4OH। अब इन दोनों का जो सॉल्ट बनेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ, इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बन रहा होगा कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ जल्दी से। बता ही नहीं रहे हो कौन सा सॉल्ट बनेगा। CH3COOH। तो इसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे, अमोनियम एसिटेट हो गया ना, ये अमोनियम और ये एसिटेट आयन है, तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, अमोनियम एसिटेट। चलो अब इसके लिए तुम लोग डिराइव करने का कोशिश करो, तो इसका एक्चुअल में हमको बताना कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन का ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। एक बार ट्राई करो डिराइव करने का, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो या नहीं। प्रोसेस सेम है जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करो, देखते हैं आता है या नहीं। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस इसमें सबसे पहले लिखना सीखो, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर लिख लिए तो फिर तो कर ही सकते हो। क्या आया पहले ये बताओ, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आया सूरज बताओ तुम, पहले इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या लिख रहे हो। हेलो सर, NH4OH प्लस CH3COOH। NH4OH प्लस क्या बोल सर, NH4 प्लस प्लस CH3CO माइनस प्लस H2O एडिंग NH4OH प्लस। सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में दोनों आयंस हाइड्रोलिसिस शो करेंगे ना, एसिटेट आयन भी हाइड्रोलाइज करेगा और NH4 प्लस अमोनियम आयन भी हाइड्रोलाइज करेगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, और ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और ये क्या बनाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बना और प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल और ये एट इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका मान लेते हैं हम लोग C, ठीक है, और इसका भी इनिशियल कंसेंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं C ही, क्योंकि दोनों तो एक ही सॉल्ट से आया है ना। तो इसका जो भी इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा अमोनियम आयन का भी इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। यस और नो? यस सर। ठीक है, और ये दोनों इधर 0:0 है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एच, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर सॉल्ट का एच है तो इसको लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या बचेगा, ये सी इंटू 1 माइनस एच, ये भी सी इंटू 1 माइनस एच, ये दोनों क्या फॉर्म करेगा CH और ये भी CH। कोई दिक्कत यहां तक? KH का तुम लोग अब एक्सप्रेशन लिख सकते हो, KH का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इस केस में हमारा, कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH और इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस और कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, ये हमारा KH का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं KH is equal to ये क्या आ गया CH into CH divided by C square into 1 minus H का whole square, लिख सकते हैं ऐसा, ये बताओ। Yes sir। अब यहाँ भी वही approximation use कर लो, 1 minus H is nearly equal to 1 हो गया, तो ये approximation अगर put करोगे तो यहां से KH डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा बताओ,
सी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ये एच स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो एच का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट के एच हो गया ना। एच का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, अंडर रूट के एच। देख लो एक बार, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब के एच को हमको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए के बी ये सब का देखो। अब हमारा यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस दोनों फॉर्म हो रहा है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा ना। तो एक इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं CH3COOH, इसका क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ये एसिटेट आयन और प्लस एच प्लस, तो इससे हमारा आ गया के का एक्सप्रेशन आ जाएगा। के क्या आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। दूसरा इक्विलिब्रियम किससे आएगा, NH4OH से आएगा। NH4OH ये क्या होगा, NH4 प्लस और यहाँ पे OH माइनस, तो इसका KB लिखोगे ना, KB क्या आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, KH का एक्सप्रेशन इंटू के इंटू के बी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या है। तीनों को फटाफट मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे सबका के डब्ल्यू आ रहा है, ये एक्चुअली में बच क्या जाएगा हमारा, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं के डब्ल्यू से। यहाँ पे हमारा आ गया के एच इंटू के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो डायरेक्टली हम लोग के एच के एक्सप्रेशन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी, है ना, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी। अब देखो वो जो हमारा एच का एक्सप्रेशन आ रहा था, एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो था वो एच था अंडर रूट के एच के इक्वल। अब अंडर रूट के एच है तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी, ये एच का एक्सप्रेशन आया। अब हमको एक्चुअल में पीएच निकालना है, तो पीएच किस, पीएच निकालने के लिए हमको कंसेंट्रेशन एच प्लस का चाहिए। एच प्लस कहाँ से आ रहा है बताओ, एच प्लस कहाँ से आएगा, एसिड से मिलेगा। तो यहाँ पे एसिड कौन सा है जो डिसोसिएट कर रहा है, यहाँ पे आयनाइज कर रहा है, जो यही है ना CH3COH। तो ये जो H+ का एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, H+ is equal to K into concentration क्या आ गया CH3COH divided by concentration of CH3COO minus, यही होगा। बोलो। Yes, sir. अब कंसेंट्रेशन CH3COOH का एट इक्विलिब्रियम कितना है, इक्विलिब्रियम पे कितना कंसेंट्रेशन उसका अवेलेबल है बताओ। CH हो गया उसका एक्सप्रेशन, और CH3COO- का इसका कितना कंसेंट्रेशन अवेलेबल है एट इक्विलिब्रियम, C into 1 minus H, यही बचा हुआ है ना, देख लो यहाँ पे, ये एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन कितना इक्विलिब्रियम पे, C into 1 minus H, और एसिटिक एसिड का है सी एच, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, सी एच डिवाइडेड बाय सी इनटू वन माइनस एच, सी सी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी वही अप्रोक्सीमेशन, क्या कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे, वन माइनस एच इज नियरली इक्वल टू वन, तो इससे देखो हमारा क्या आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डायरेक्टली मिल गया हमको के इंटू एच, यही मिल गया ना, देख लो।
और H के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बताओ जल्दी से, H के जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल H के जगह? अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के इनटू के बी। देखो अब ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे इसका पीएच डिपेंड ही नहीं करेगा, देख रहा हो इसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन्वॉल्व हो रहा है क्या इसके एक्सप्रेशन में? सी का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? नो तो ये वाला जो सॉल्ट है ना, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा उसका जो भी पीएच आएगा वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो उस पे इंडिपेंडेंट होगा। अब इसका जब इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी, ये लिख लो फटाफट। तो ये एच प्लस का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से हम लोग पीएच निकाल सकते हैं, पीएच क्या हो गया, माइनस लॉग इंटू के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी और इस पे पावर हाफ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आगे आ गया तो हाफ पी के डब्ल्यू, ठीक है, प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये हमारा पीएच का एक्सप्रेशन आ गया फाइनल। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका जो पीएच जो भी कैलकुलेट करोगे वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड नहीं करता है। समझ आया सबको? शुभम हाँ सर, समझ आ रहा है ना कैसे एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा है? यस सर। चलो ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। ये वाला जो सॉल्ट है ना, ये वीक एसिड और वीक बेस का, इसमें दो सॉल्ट के दोनों आयंस हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है इस कैटेगरी का सॉल्ट, ये मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस शो करेगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बाकी सारे केसेस में अभी तक हम लोग ऊपर देख रहे थे उसमें कोई एक ही आयन सॉल्ट का हाइड्रोलाइज हो रहा था। बाकी सारे कंपैरिजन लिख लिए? अच्छा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर अभी आ रहा है। चलो लिख लियो वहां तक। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वाला जो कैटेगरी है वो मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस शो करेगा, क्योंकि वहां पे क्या है सॉल्ट के दोनों आयंस हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, कैटायन और एनायन दोनों हो रहा है। बाकी अदर केसेस में हम लोग देख रहे थे कि उसमें सॉल्ट का कोई एक ही आयन हाइड्रोलाइज हो रहा था, लेकिन इस केस में दोनों हाइड्रोलाइज हो रहा है इसलिए मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। चलो अब लास्ट केस है, केस नंबर फोर। हमारा कौन सा है? फोर्थ। सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बचा हुआ है ना हमारा, दोनों स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर कर लिए हम लोग, HCl ले लिए और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए NaOH। अब इन दोनों का जो सॉल्ट बनेगा ये कौन सा सॉल्ट है, NaCl। अब इसमें देखोगे कैटायन है हमारा Na प्लस और एनायन है Cl माइनस। अब तुम लोग खुद ही बताना इन दोनों में से Na प्लस और Cl माइनस में से कौन सा आयन वाटर के आयन के साथ कंबाइन करेगा, ये बताओ। सर कोई नहीं, कोई नहीं, Na प्लस जो है वाटर के OH माइनस के साथ कंबाइन करके ये NaOH बना सकता है क्या, ये बताओ। यस, NaOH के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम Cl माइनस जो है वाटर के H प्लस के साथ कंबाइन करके HCl बना सकता है, यस और नो? नो सर, नो सर। तो इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन कभी भी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई सॉल्ट हम लोग ऐसा ले लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो उसमें देखोगे सॉल्ट का कोई भी आयन हाइड्रोलिसिस शो करने में पॉसिबल नहीं है, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। इसलिए हम लोग इसमें बोलेंगे कि ये इस केस में कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर नहीं करता है, नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ पे, इस केस में नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है। ठीक है, अगर ये देखो हाइड्रोलिसिस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, और अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ये सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, कौन सा नेचर ये शो करेगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ऑब्वियसली H प्लस और OH माइनस दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और इसका अगर pH तुमसे पूछा जाए तो pH इसका हमेशा क्या होगा, 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम टेम्परेचर पे इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर लिए हम लोग, तो अगर रूम टेम्परेचर पे इसका pH पूछा गया तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल। समझ आया? Yes, sir. तो ये चार केसेस हम लोग कंसिडर कर लिए, चार टाइप के सॉल्ट देखे थे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिस पे चार टाइप के सॉल्ट बना सकते हैं, उसमें सारे केसेस हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। देख लो एक बार, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, हम सारा समर। हाँ बोलो सर, सबको फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? याद तो रखना ही है फॉर्मूला, देखो हम समराइज करके सारा लिख दे रहे हैं, एक मतलब क्या है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा ही तुमको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज है, इसलिए हम समराइज करके अभी लिख देंगे, उसको याद रखना ही है। तो फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो वो डिराइव करने थोड़ी ना बैठोगे अब एग्जाम में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको यूज करना होगा, तो वो तो याद रखना ही होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, हम एक जगह लिख दे रहे हैं उसको, अब बस उसी को याद रखना। अगर डेरिवेशन का प्रोसेस तो तुम लोग समझ ही गए होगे, कैसे तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में हो सकता है पूछे, बाकी जगह तो नहीं पूछा जाएगा कहीं भी डेरिवेशन, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ तक समराइज करके हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। बोलो, फोर्थ वाला लिख लिया ना? यस सर। यस और नो? यस सर। क्या हेलो आवाज आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, एक मिनट रुकना, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो हम समराइज करके सारे रिजल्ट को एक जगह लिख दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड पहला कैटेगरी था हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। दूसरा कैटेगरी था हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और तीसरा कैटेगरी था हमारा
वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि चौथा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो तो हाइड्रोलिसिस सो नहीं करेगा। तो इसमें देखो सबका, देखो H का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, H तो सब में क्या था, अंडर रूट के एच बाय सी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले में, इसमें भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले में H का वैल्यू क्या आ रहा था, अंडर रूट के एच बाय सी, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस में H का एक्सप्रेशन क्या था बताओ तो, अभी तुरंत ये वाला केस, अंडर रूट सिर्फ के एच, ठीक है, ये एच का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से हम लोग देखो और रिलेशन देखो के एच और के और के बी में क्या था, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल रिलेशन आ जाता है। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हमको रिलेशन देखना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, जो वीक कॉम्पोनेंट है ना उसका यहाँ पे लेना है, तो के एच इंटू क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया, के डब्ल्यू के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिलेशन लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे वीक कौन सा है, एसिडिक कंपोनेंट है, तो उसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो KH into K is equal to ये KW आ गया। और तीसरे वाले केस में क्या, दोनों ही वीक है, तो इसमें रिलेशन क्या आता था, KH into K into KB equal to KW। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. चलो ये हमारा रिलेशन भी आ गया। अब यहाँ देखो, अब H plus का एक्सप्रेशन, H प्लस का एक्सप्रेशन पहले वाले कैटेगरी में क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में क्या आ जाएगा बताओ, क्या था अंडर रूट, फॉर्मूला बताओ, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के बी। हाँ, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के बी। दूसरे वाले में देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय सी, यही था ना, याद है, याद आ रहा है, हेलो, हाँ सर आ रहा है, के डब्ल्यू इंटू के बाय सी। और तीसरा कैटेगरी में कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी। ये समराइज करके हम रिजल्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये तुम लोगों को इतना एटलीस्ट इतना याद रखोगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके, क्योंकि एक बार एच प्लस अगर तुमको पता चल गया तब यहाँ पे पीएच वाला फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, पीएच अपने से निकाल सकते हो। अगर मान लो कहीं पे डायरेक्टली पीके डब्ल्यू और पीके और पीके बी के फॉर्म में दिया है तो उसमें पीएच वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, तो एक बार एच प्लस का एक्सप्रेशन अगर तुमको याद है तो एक स्टेप तो कर ही सकते हो, पीएच का तो लिख ही सकते हो। तो यहां तक ही याद रखो, एच प्लस के एक्सप्रेशन तक पीएच वाला फॉर्मूला हुआ, यहां से तुम लोग एक लाइन डिराइव कर सकते हो, ठीक है, वो याद रखने का जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। इतना तो याद रहेगा ना? Yes, sir. चलो इतना तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और चौथा वाला जो कैटेगरी है उसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, वो तो हाइड्रोलिसिस सो करेगा ही नहीं। फटाफट इसको नोट कर लो, समराइज, ये जितना भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये समरी हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अब देखो कोई भी क्वेश्चन में जो तुमको सॉल्ट जो भी पूछा जाएगा जिस भी सॉल्ट के बारे में, वो तुमको ये नहीं बताएगा कि वो कौन से कैटेगरी का सॉल्ट है, वो तुमको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलो तो एक एक करके हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, फटाफट लिखो फिर क्वेश्चंस कराते हैं। लिख लिए? यस सर। शुभम? हाँ सर, लिख लिया। चलो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH of a salt
सॉल्ट दिया गया हमको HCOO के, और इसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। इफ के दिया हुआ है HCOH का इज इक्वल टू 10^-4। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। बोलो हेलो। हेलो नहीं आया अभी तक। हेलो ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सूरज सूरज यस सर क्या बताओ आंसर जल्दी से। कौन सा सॉल्ट है ये HCO के, किस कैटेगरी का सॉल्ट है बताओ। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो फिर। अब ये अगर पता कर लिए तुम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ट्राई करो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच निकालना है। सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10^-4 है। डिग्री यहाँ पे देखो के डब्ल्यू तुमको नहीं दिया रहेगा, के डब्ल्यू तुमको खुद से अज्यूम करना है। वो कितना होता है के डब्ल्यू 10^-14। तो यहाँ से रिलेशन देखो क्या आ जाएगा, के एच इंटू के इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो सॉरी यहाँ से के एच क्या आ जाएगा हमारे पास, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए। ठीक है के डब्ल्यू बाई के ए हो गया, के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 10^-14 और के ए दिया हुआ है 10^-4। ये देखो कितना आ गया, के एच का वैल्यू आ गया 10^-10।
अब के एच अगर हमारे पास आ चुका है तो यहाँ से सी निकाल सकते हैं, सॉरी सी तो दिया हुआ है हमारे पास 0.01 मोलर, तो यहाँ से एच निकाल सकते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट के एच बाय सी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अंडर रूट के एच का वैल्यू हो गया हमारे पास 10^-10 और सी का वैल्यू हो गया 10^-2। कितना आ गया एच का वैल्यू बताओ, 10^-4 हो गया, देख लो यस और नो सर। पीएच 8 एच का वैल्यू इतना आ रहा है 10^-4 सबका, यस सर। चलो अगर एच ये आ गया तो अब दूसरा पीएच निकालना है हमको, तो पीएच के लिए कंसंट्रेशन एच प्लस का चाहिए, तो इसमें फॉर्मूला क्या था बताओ, ये जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय सी, यही फॉर्मूला है। यस सर। तो पुट करो वैल्यूज, के डब्ल्यू है 10^-14, के है 10^-4 डिवाइडेड बाय सी है 10^-2, एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना आ गया 10^-8 हो गया, है ना। पीएच क्या हो जाएगा 8। यहाँ देख लो तुम लोग आइडिया भी लगा सकते हो पीएच इसका 7 से ग्रेटर आने वाला है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट है तो ऑब्वियसली बेसिक नेचर का ये सॉल्ट होगा, तो पीएच हमेशा इसका ग्रेटर देन 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक सॉल्ट लिए हम लोग कोई NaX, ठीक है सॉल्ट है NaX और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, और ये जो वीक एसिड है HX इसका K गिवन है 10^-5। पूछा गया है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इस सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। चार ऑप्शन है, परसेंटेज के फॉर्म में 0.01%, ऑप्शन बी 0.0001%, ऑप्शन सी 0.1% एंड ऑप्शन डी 0.001%। सर 0.01%। ऑप्शन बताओ कौन सा, ए बी सी डी में कौन सा। सर ए, ठीक है आ रहा है सबका ऑप्शन ए। हेलो सबका आ रहा है ऑप्शन ए, दीक्षा हेलो दीक्षा आंसर yes, आया, यस सर। सूरज यस सर आ गया है ना,
चलो ठीक है, बताने का जरूरत तो नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल है। NaX है मतलब ये भी सॉल्ट क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है, आराम से जो फॉर्मूला लगता है वो लगा के सॉल्व करना है। सिर्फ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा गया, मतलब H जो आएगा ना ये इनटू परसेंटेज के फॉर्म में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.01% है करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक सॉल्ट है जो कि एच ए वीक एसिड और बी ओ एच से मिलके बना हुआ है, ए बी सॉल्ट, ठीक है, यह है वीक एसिड और यह है वीक बेस और ये ए बी बन रहा है सॉल्ट। इस वीक एसिड का दिया हुआ है पी के ए इज इक्वल टू 3.2, वीक बेस का पी के बी दिया हुआ है 3.4 और ये जो सॉल्ट बना है इसका पीएच पूछा गया है और हमारे पास ऑप्शंस हैं चार, ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 6.9, ऑप्शन सी 7.5 एंड ऑप्शन डी 1.0। सर 6.9 ऑप्शन बी। 6.9 यस सर। देखो और किसी का आ रहा है 6.9? यस सर बी ही आ रहा है, बी ही आ रहा है, ठीक yes, है sir. वही आ रहा है। Yes, sir. सबका आंसर आ गया 6.9। वीक एसिड और वीक बेस का ये सॉल्ट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो पीके और पीकेबी के फॉर्म में दिया है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तुम लोग। पीएच के लिए लिखाए थे ना, पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके ए और माइनस क्या था हाफ पीकेबी, यही फॉर्मूला यूज किया। यस सर। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 6.9, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH of a mixture और ये मिक्सचर दिया हुआ है 25 ml of 0.1 molar NH4OH plus 25 ml of 0.1 molar CH3COOH, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है और K दिया हुआ है एसिटिक एसिड का 1.8 × 10⁻⁵ और Kb दिया हुआ है NH4OH का, ये भी 1.8 × 10⁻⁵, ठीक है, ट्राई करो फटाफट।
सेवन है सर, सेवन आ गया है पीएच। हेलो, नहीं सॉल्व हुआ है। सर सेवन यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा पीएच क्या आ जाएगा, ये सेवन हो जाएगा। सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों जब रिएक्ट करेगा आपस में तो एक सॉल्ट बनाएगा ना। देख लो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग NH4OH और CH3COH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे, CH3COONH4+ अमोनियम एसिटेट और प्लस वाटर। तो इनिशियल जब मोल्स लिखोगे, N इनिशियल है इसका, मोल्स क्या आ जाएगा, 2.5 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स के टर्म में आ जाएगा ये, 2.25 × 0.1 आ जाएगा, मिलीमोल्स के टर्म में लिख रहे हैं। और ये भी क्या आ जाएगा, 25 × 0.1, ये इनिशियल जीरो था, फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल अमाउंट में एट एन फाइनल लिख रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट में तो ये दोनों क्या होगा, पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा एक साथ ही। एन फाइनल ये दोनों क्या हो गया, जीरो जीरो, और ये कितना फॉर्म किया, ये 25 × 0.1 ही फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका कंसंट्रेशन निकाल लोगे, और कंसंट्रेशन निकाल लोगे तो अब ये जो सॉल्ट बचा है हमारे पास, ये जो सॉल्ट है ये किसका, किस कैटेगरी का सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला ना, देख लो। यस सर। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, पी के ए प्लस पी के डब्ल्यू, ये ऐसे था ना, देख लो। पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी बाई टू, यही था, देखो तो। Yes. अब यहाँ पे देखो, के और के बी अगर दोनों का सेम दिया गया है तो पी के और पी के बी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और यहाँ पे पीके और पीकेबी का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, पीके डब्ल्यू जो कि 14 होता है, और बाई टू कर दो तो 14/2 ये हो गया 7, क्योंकि ये इनिशियल कंसेंट्रेशन से हमको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हमको पता है कि वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन से कोई मतलब होता है क्या, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। यस और नो? यस। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं पीएच क्या आ गया, 7 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब आराम से कर सकते हो ना क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। हाँ बोलो सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, और भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि इसमें देखो आइडेंटिफाई बहुत सारी है, जो क्वेश्चंस कराए हम ये सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, ये सब जेई में पूछा गया। ठीक है, तो मेनली जो है क्वेश्चंस ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। फॉर्मूला याद रखना ये डिफिकल्ट होता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना सारा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग फॉर्मूलाज होते हैं ना, क्योंकि तुमको सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि एक ही फॉर्मूला सिर्फ यही रिमेम्बर थोड़ी करके रखना है। और भी क्वेश्चंस हम करा सकते हैं इसमें, रुको एक मिनट देखना। तुम लोग बुकलेट से ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चंस बनाए हो? यस सर बनाए हैं।
इसमें है क्या क्वेश्चंस? ज्यादा क्वेश्चंस तो इसमें नहीं है, देखने दो, ट्राई करना आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस पे ट्राई करना। अगले क्लास में हम पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक तुम लोग ट्राई कर लो, ठीक है? अगले क्लास में डाउट है क्या तुम लोगों को कुछ इसमें, जितने क्वेश्चंस बनाए हो डाउट आया है या नहीं अभी तक? सर नहीं आया वो। नहीं आया, देखते हैं अगर कोई और असाइनमेंट अगर मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी कम दिए हुए हैं, है ना? अगर और कोई असाइनमेंट मिलता है तो हम देखते हैं, वो भी तुम लोग को सेंड करवाएंगे इसका, आयनिक का। सर एक और बुकलेट है उसमें मतलब कंटेंट के साथ साथ सॉल्व एग्जांपल सारे टॉपिक पे दिया हुआ है। अच्छा, एक और बुकलेट आयनिक का दिया गया, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो तुम लोग। मेडिकल वाले जो हो, मेडिकल वाला वो अपने बुकलेट से करना, तुम लोग को इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस करने का कोई वो नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना जो नीट लेवल के क्वेश्चंस है सर, वही सब ट्राई करना। नीट वाले में तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, इसमें जेई में कुछ कुछ थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो तीन टॉपिक को मिक्स करके, जहाँ पे इसका एप्लीकेशन आता है। तो एक बार ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है? ट्राई करो तुम लोग। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया है, तो क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो, जो भी डाउट आएगा इसमें। बस एक लास्ट टॉपिक आयनिक में हमारा बच गया है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला, ठीक है? तो उसमें मैक्सिमम एक से दो क्लास लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का ओवर हो गया, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम सारे टॉपिक्स तो बफर सॉल्यूशन हो ही गया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग कवर कर ही लिए हैं, उधर आगे पीएच निकालने का वो सारा टॉपिक हो ही गया था। तो एक और एक टॉपिक बस बचा हुआ है हमारा, वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला, तो वो बस खत्म हो गया, तो चैप्टर खत्म, ठीक है? तो क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो इसका। बोलो सर, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा? इसके बाद देखते हैं क्या किया जाएगा, तुम लोग का टेंथ का जो जो थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है अभी सर, और तो बाकी सारे चैप्टर्स तो हो ही गए थर्मोडायनेमिक्स के अलावा। वन का सारा हो गया, हो गया है ना बाकी सारे? यस सर, यूनिट मतलब एक बुक का सर, रेडॉक्स रिएक्शन वो तो सेकंड बुक में है ना, ठीक है? रेडॉक्स भी बचा हुआ है, फिजिकल का थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है और रेडॉक्स बचा हुआ है इसमें, ठीक है? तो देखते हैं पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि ये एक तुम लोग क्वेश्चंस इसका बनाओ, आयनिक का क्वेश्चंस कंप्लीट करो, क्योंकि दो मैक्सिमम दो क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो गया हो जाएगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जितने टॉपिक्स अभी तक हो चुके हैं, जो भी डाउट होगा अगले क्लास में खत्म कर लेते हैं, फिर डाउट क्लास एक ही साथ लगा लेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है फिर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, एंड करें। कुछ पूछना है आज के क्लास का? नो सर। ठीक है फिर, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।